बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। व्लॉग स्टार्ट करने से पहले पहले ना मेरा एक नुकसान हो गया बहुत बड़ा। ये देख सकते हैं आप लोग, कैब थी मेरी, ये मैंने ना तकरीबन 1400-1500 रुपए की मंगवाई थी इंस्टाग्राम से। तो वो ना अभी मैं बैठा हुआ था, मैं इंस्टाग्राम झटका मारा है, वो पीछे से नाजुक थी कि टूट गई है भाई। कोई नहीं, 1400-1500 रुपए का नुकसान हो गया, क्या कर सकते हैं। बाकी बाल खराब थे इसलिए मैंने पहनी हुई थी। आज है जी वलीमा। मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में जिसने लास्ट वीडियो देखी है उन लोगों को पता होगा। जिसने नहीं देखी मैं बता दूं, हमारे ना सामने घर है, मतलब कि हमारे हमसाई हो गए। थोड़ा नजदीक का भी हमसाया, थोड़ा दूर का भी हमसाया, थोड़ा सामने वाला भी हमसाया, थोड़ा पीछे वाला भी हमसाया, सारे हमसाए हमसाई होते हैं। बाकी उनका है जी आज वलीमा और बहुत ज्यादा मजा आने वाला है क्योंकि हम लोगों के पूरे टाउन को तकरीबन उन लोगों ने बुलाया है। ये समझे कि हमारे जो है ना सारे के सारे दोस्त जो है ना वहां पर इकट्ठे होंगे। बहुत ज्यादा मजा आने वाला, बहुत ज्यादा। इस वीडियो को आप लोगों ने मिस नहीं करना, बहुत ज्यादा शुगर लगेगा। तो चलते हैं और दिखाते हैं आप लोगों को। सबसे पहले तैयार होना है, मैं अभी तक तैयार नहीं हुआ। तो मैंने एक न्यू ब्लैक सूट सिलाई करवाया है। मेरे पास पहले भी एक ब्लैक सूट पड़ा था बिल्कुल न्यू, पर वो था मोटा, सर्दियों का था वो। मैंने अब न्यू एक सिलाई करवाया ब्रीक, ठीक है ना, जो मैं गर्मियों में पहन सकूं। बाकी शादी थी तो आज मैंने सोचा पहली बार यार शादी भी पहन लेते हैं, तो वो ब्लैक सूट पहनेंगे और ऊपर से ब्लू कलर का जो मेरा कोट है, जो मेरे पुराने व्यूअर्स हैं उन्हें पता होगा, नहीं तो मैं भी दिखा दूंगा वो पहनूंगा। अगर वहां मार्की में अगर गर्मी लगी तो कोट उतार देंगे, वो शलवार की पहन रखेंगे, नहीं तो फिर कोट भी पहन रखेंगे। एसी तो बस चल रहे होंगे। बाकी भी सबसे पहले चल के नहाते हैं, कपड़े वगैरह चेंज करते हैं और फिर दिखाते हैं आप लोगों को। और मैं अगर आप लोगों को मजे की बात बताऊं ना, तो मार्की भी वही वली है जो हमारे पुराने व्यूअर्स हैं, उन्हें तो सब कुछ पता है कि मेरे दोस्त हैं ऐसे चाचर वाले, हमारे चाचर वाले, तो उनकी मार्की है यहाँ पर हेरिटेज, तो उस मार्की में इवेंट है। मतलब कि मार्की भी समझी अपनी है और बंदे भी सारे के सारे ए टू जी अपने हैं। बाकी यहाँ पर जी हसम चेक करें, हसम तैयार हो गया। क्या बात है, क्या बात है, बहुत ज़रा प्यारा लग रहा है टिंड के साथ। ये चीज़ हैसम ने ना लालच में आकर टिंड करवाई थी। मैंने इसको कहा था एक ना यहाँ पर न्यू जंपिंग लैंड खुला है रिंजा खान, तो मैंने कहा था टिंड करवा जंपिंग लैंड लेके चलूंगा। उसी वक्त ही जाकर मैं जाकर इसकी टिंड करवा के आया हूँ, फिर इसको मैं जंपिंग लैंड लेके गया था। वो भी वीडियो चैनल में ही जाकर आप लोग देख सकते हैं। बाकी अभी मूसा नहा रहा है, मैं इंतजार करता हूँ, जैसे मूसा नहा के निकलता है फिर मैं तैयार होता हूँ, फिर उसके बाद चलते हैं जी हम लोग मैरजाल में। और हम लोग अपने बकरे को छोड़ के जा रहे हैं, बड़ा अफसोस। ये चीज बड़ा अफसोस, बकरे बड़ा अफसोस, अफसोस की शौक है ना, बड़े तेरे छोड़ के जा रही है। पर कोई नहीं, सिर्फ घंटे डेढ़ घंटे की बात है। वली मैं ब्लैक सूट पहन के जी मैं रेडी हो गया, इसके ऊपर से पहन लिया जी कोट और नीचे पहनी है जूती, और ये मेरा सूट है जो मैंने नया सिलाई करवाया है। बाकी गले को पता नहीं क्या हो गया, एकदम ही नहा के मैं आ गया। बाकी अभी चलते हैं जी मार्की में, फुल रेडी जी मैं हो गया हूँ। अभी पंखा बंद किया सिर्फ 2 मिनट के लिए, मैंने कोट पहना है और इतनी ज्यादा गर्मी लग रही है, अगर पंखा चला वीडियो बनाऊंगा तो आवाज मेरी क्लियर रहेगी। बाकी मैंने लाइफ में फर्स्ट टाइम ऐसी ड्रेसिंग की है। कैमरा मैन दिखो, चेक करें, ब्लू शूज है पहले, उसके बाद ब्लैक सलवार कमीज है, उसके बाद ब्लू कोट है ऊपर से, और ये मोबाइल वाली वॉच है, उसके बाद ये रिंग है और ये ग्लासेस हैं। बाकी किस तरह का कमेंट में लाजमी लाजमी करना है। बाकी ग्लासेस अभी तो आ गए हैं, ग्लासेस रख लेते हैं अपने पास, जब दिल करेगा रस्ते में पहन लेंगे। बाकी आओ निकलते हैं, अगर वहां पर जाके एसी वगैरह चल रहा हुआ ठीक माहौल हुआ तो ठीक है, नहीं तो फिर कोट भी उतार देना, ऐसे ही गर्मी में घूमेंगे। मैं और मूसा जो है हम लोग फुल तैयार हो गए हैं, अभी हम लोग जाने लगे हैं जी मार्केट में, तो अभी निकलते हैं और जाके आप लोगों को दिखाते हैं। बाकी आप लोगों को बताया कि वहां पर पूरा मोहल्ले की वहां इकट्ठी हुई होनी है और इतना ज्यादा मजा आ रहा है, मैं आप लोगों को क्या बताऊं, गर्मी लग रही है, जल्दी निकलते हैं। और भाई तुम्हारी मार्केट में वो है इवेंट और तुम लोग तैयार ही नहीं हुए अभी तक। काम धंधा क्लीन शेव करवाया, खुसरा बन गया क्लीन शेव करवा के। बाकी अभी मैं और मूसा जा रहे हैं मार्केट में, भैया वाले कहीं पर और जा रहे हैं, इस घर की शादी है। बाकी ये घर ले पहुंच ही होंगे, अभी हम लोग भी जा रहे हैं जानने वाला बैठा हुआ, कोई बाहर के भी है पर ज्यादा जो है जानने वाले बैठे हुए। बाकी मैं जैसी रहा हूँ, मुझे गर्मी लगने लग पड़ी है, तो मैं कोट उतार के मम्मा को घूमूंगा, फिर कोट के बगैर घूमूंगा, इस तरह मैं प्यारा लग रहा हूँ। बाकी बाल जो है सारे खराब हो गए, कोई नहीं, बालों का क्या करना, जिसने भी देखना होगा मुंह देखना, उसमें कौन सा बाल देखने हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मेरे मैरिज हॉल के अंदर आए, कैमरा खोला है, कितना ज्यादा रश है और रोटी भी ऊपर से खुल गई है। हम लोग ना अभी खाना नहीं खाया मैंने और अदर माने, हम लोग ना सारी सर्विंग वगैरह कर रहे हैं क्योंकि समझे हमारी अपनी शादी है, ठीक है ना। बाकी भी सारी सर्विंग वगैरह करके फिर हम लोग खाना खाएंगे, और अभी हम लोग मसरूफ हैं, अभी हम तंग ना करें, अभी हम लोग खाना सर्व कर रहे हैं, फिर मिलते हैं। मूसा जी यहाँ पर, मूसा रोटी खाए है, खाए हो, पक्की बात है, मज़ेदार सी रोटी, मज़ेदार थी। बाकी हम लोग तो बाद में खाएंगे। ये दो हमारे दो नौजवान ना एंड में पहुँचे हैं, चाचर साहब, चाचर साहब इधर आओ, नहीं मैं मुझे छोड़ के नहीं जाना आपने, नहीं चुम्मी पहले क्लीन शेव करवाए पहले चुम्मी, अरे देखना कैसे छोड़ के भाग रहा, देखे काम देखे। भाई कोई नहीं, भैया वाले भी आ गए, अभी इनके साथ बैठ के मिलकर रोटी खाएंगे। चाचर अभी अंदर आते ना, चाचर की चुम्मी भी लेनी है क्योंकि क्लीन शेव करवाया है। बाकी भैया वाले भी सारे आ गए, अभी मिलते हैं, फिर मिलकर बैठ के स्कूल से रोटी खाते हैं, क्योंकि जो सारे मेहमान थे तकरीबन उन लोगों ने रोटी खा ली है और आहिस्ता आहिस्ता जाते जा रहे हैं।
बाकी अब्दुलमान की फोटोज वगैरह ले रहा हूँ, सलील कर रहा है मुझे। मेरी जितनी भी आप लोग इंस्टाग्राम फोटोज देखते हैं इस मोबाइल से आती है। कैमरा दिखाए ये इस मोबाइल से, इस मोबाइल से। क्या बात है, क्या बात है। चल 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 मेरा कोट जब्त कर लिया जी असद ने, ले इसे लेना है खुद ही, ठीक है ना। आजेगा आजेगा पूरा आजेगा, खाना हम लोग खा लेंगे। जितने भी बच्चे हैं ना इन सबको मैंने अपना चैनल बताया, मैं जाके चैनल सब्सक्राइब करना मेरा। कितने, एक दो तीन चार पाँच छः सात, सात बंदे हैं ये, सात सब्सक्राइबर आएंगे मेरे नए, ठीक है ना। ले लिए सबको व्लॉग में, कल आएगा या परसों आएगा, आ जाओगे व्लॉग में, ठीक है। ओके ओके ओके, ये तो मेरे मोहल्ले का ही है मेरे ख्याल में, रहते हो ना। हाँ देखा ना, मैंने पहचान लिया। बाकी वो उधर हमारे अपने बड़े भाई फोटो वगैरह क्लिक कर रहा है। देखा देखा ना, मैंने भी आपको कई बार देखा। ये सारे आपके कज़न है, ये आपके क्या लगते हैं, सारे कज़न है, सारे कज़न है। ठीक हो गया, ठीक हो गया, सारे आ गए व्लॉग में। बच्चों की ख्वाहिश पूरी कर दिया, कहते व्लॉग में ले, फिर मैंने व्लॉग में ले लिया। और यहाँ पर मुझे एक बंदे ने नहीं, मैं कहा तकरीबन मुझे ना 30-35 लोगों ने पूछा व्लॉगिंग करते हो, चैनल का नाम बताओ, व्लॉगिंग करते हो चैनल का नाम बताओ। तो फिर मैंने सबको चैनल का नाम बताया, सब्सक्राइबर बढ़ने लग पड़ेंगे, टेंशन नहीं लेनी। बाकी वो जैसी फोटोज लेकर फ्री होता है, फिर मैं अपनी फोटोज भी लेता हूँ। वहाँ पर बैठ के उन्होंने रोटी वगैरह खा ली, अब हम लोग हो गए जी फ्री। अभी मैं चाचू नज़ीर के पास, क्या हाल है चाचू जी, ठीक हो तो वैसे ठीक हैं। ये हमारे हैं जी प्रो मास्टर शेफ, इनको जो चीज़ कहो वो बना देते हैं, ऐसे ही है, ऐसे ही है। और ये बहुत पुराने हैं, हम लोग पैदा भी नहीं हुए होंगे और ये तब के हैं हमारे पास, ठीक है ना। मतलब कि हमारे ना साथ ले गए ना अंकल दफर ले, तो उन लोगों के पास होते हैं और इतना लेवल का खाना बनाते हैं ना, मैं कहता हूँ मज़ा आ जाता है देख के भी। दम पुख्त जो जो चीज़ें हैं ना बना लेते हैं अंकल, हिरन वगैरह भी बना लेते हैं, हिरन वगैरह भी बनाई हुई है जफर सुलचट्टा साहब के लिए, देखा ना, पता है अभी मुझे पता है, सही है। बाकी आगे व्लॉग में, ठीक है, ओके सर। बाकी और तो वैसे ठीक है, अल्लाह शुक्र। क्या बात है, क्या बात है, आगे आगे अभी व्लॉग में आ गए। ओके ओके, रोड शोटी जी उन्होंने खा लिया, अब हम लोग जा रहे हैं जी घर वापस, तो चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आज जी इवली में गुजर गए ना, तकरीबन दो दिन गुजर गए हैं और मैंने वीडियो अभी तक अपलोड क्यों नहीं की, मैं मसरूफ़ हो जाता हूँ। मसरूफ़ कहाँ हो जाता हूँ, अपनी दुकान पर चला जाता हूँ, कभी कहीं पर चला जाता हूँ, कभी कहीं पर चला जाता हूँ, तो वीडियो एडिट करने का टाइम नहीं मिलता। अब मैंने सोच ली है कि मैंने ना डेली या एक दिन छोड़ के एक दिन ना वीडियो लाजमी अपलोड किया करनी है यार, क्योंकि ना जो आप लोग भी फिर नाराज होते हो कि डेली वीडियो नहीं अपलोड करता, उसके बाद लंबी वीडियो नहीं अपलोड करता। जब कभी बन जाती है तो मैं लंबी वीडियो अपलोड कर देता हूँ, बाकी आप सब नाराज़ हो जाते हो, पर अब आप सब नाराज़ होते हो तो अच्छी बात नहीं है ना, मेरे दिल को दुख होता है यार जब आप नाराज़ होते हो। बाकी इस तरह करो, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना, ताकि मैं अब एक दिन छोड़ के एक दिन वीडियो अपलोड करूँ या डेली वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोगों को सबसे पहले क्या हो, नोटिफिकेशन आए, ये बात। बाकी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो मैं डेली वीडियो अपलोड किया करूंगा, नहीं सब्सक्राइब करोगे तो फिर यही है कि 3-4 दिन बाद आएगा। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी अपलोड करना है और इंशाल्लाह मेरी कोशिश रहेगी कि मैं एक दिन छोड़ के एक दिन या डेली वीडियो लाजमी अपलोड कर सकूँ। इतना सुस्त हो गया हूँ मैं कि आप लोगों को बता रहा हूँ कि सिर्फ ये दो दिन गुजरे हैं वलीमे को और मैंने अब तक वीडियो नहीं एडिट की, और वीडियो कितने मिनट की होगी, 8-10 मिनट की वीडियो होगी, मुझे इतना टाइम मिल रहा है मैं वो एडिट कर सकूँ। बाकी खैर, अल्लाह खैर करेगा, आगे से एक दिन छोड़ के एक दिन वीडियो आएगी या डेली वीडियो आएगी। तो खैर इसी के साथ मुझे देखा जाए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, बहुत सारा प्यार, अल्लाह हाफिज़।